आपने अंडे का ऑमलेट खाया होगा, लेकिन हम जिस अभी जगह पे खड़े हैं ये जगह जो है सो मूंगलेट कहलाता है और मूंगलेट यहाँ पर बनता है। मूंगलेट क्या होता है मैं आपको वो बता दूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मूंग की दाल का एक डिश बनाया जाता है, उसको मूंगलेट कहते हैं। अब ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है, ये मूंग की दाल का होता है और उस पर स्टफिंग करके ये पिज्ज़ा की तरह बनाया जाता है, इसको आप देसी पिज्ज़ा भी कह सकते हैं। किस तरीके से बनता है ये और क्या है खास मूंगलेट का और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो टेस्ट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। किस तरीके से बनता है और क्या इसके पीछे का क्या है दिमाग, आप एक बार ये बताइए। सर, ये मूंग की दाल को पीस के बनाया जाता है। दरअसल हम इसमें क्या होता है कि मूंग की दाल को पहले पीसते हैं, उसका एक पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बनाने के बाद उसको फ्राईदान में डालने के बाद उसके ऊपर सब्जियां डाल देते हैं। और जो हमारे पास कस्टमर भी आते हैं वो लोग बताते हैं कि जो पिज्ज़ा होता है पिज्ज़ा मैदा से बनता है, और डॉक्टर भी ये बताते हैं कि जो मूंग की दाल खाने के लिए अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो मूंग की दाल खाने के लिए बताते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ये बनाया कि पिज़्ज़ा जो होता है वो नुकसानदायक होता है, उसमें मैदा होता है, तो हम लोगों ने उसी तरह एक देसी तरीका का पिज़्ज़ा बनाया जो मूंग की दाल से बनता है। और ये कितने दिन से आपने यहाँ पे शुरू किया है और कैसे लोग मंगवा कैसे सकते हैं इसको? सर, ये लगभग पिछले एक महीने से चल रहा है यहाँ पर, उससे भी अधिक हो गया है समय, और मंगवाने के लिए स्विगी और जोमेटो भी है हमारे पास, और ये मार्केट है यहाँ भी लोग खाने के लिए आते हैं बराबर। तो कितना दाम पड़ता है एक आपको बनाने में, कितना दाम पड़ता है और जो बिक्री जो लोग आते खरीदने के लिए उसको कितना पड़ता है? सर, बनाने का तो क्या ये है कि भाई उसका हम कैलकुलेट नहीं करते कितना पड़ रहा है, लेकिन जो हम सेल कर रहे हैं वो ये है कि एक 100 रुपये का पिज़्ज़ा होता है, एक 150 का होता है, जो 100 वाला है वो नॉर्मल होता है और जो 150 का वो स्पेशल पिज़्ज़ा है। स्पेशल में हम एक्स्ट्रा टॉपिंग कर देते हैं, तो वो एक मतलब ये मान लीजिए मूंग की दाल का जो पिज़्ज़ा है ये एक मैदा के पिज़्ज़े से भी अच्छा लगता है ये जो 150 वाला है। तो ये आप देख सकते हैं अभी बन रहा है और इसका नाम ही लाइव मूंगलेट है, यानी कि आपके सामने में बना करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से बनता है, ताकि ये आपके मन में कोई शंका ना हो उसके फ्रेशनेस को लेकर के, इसकी क्वालिटी को लेकर के। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।